एवरीवन, अनु तनु किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड कॉर्न कटलेट। शाम के समय बाहर रिमझिम बारिश हो रही हो और आपको चाय के साथ ये चटपटा नाश्ता मिल जाए तो क्या बात है। ये कटलेट खाने में टेस्टी तो है ही, बनाने में भी काफी आसान है। तो चलिए कटलेट बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले कटलेट की आउटर कवरिंग बनाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे दो बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। इसके बाद हम इनको अब अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों आलू ग्रेट कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे चार स्लाइसेस व्हाइट ब्रेड के ले लिए हैं। आप ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हो। आपको इसको पानी के बर्तन में डिप करना है, फिर जल्दी से निकाल लेना है और आपको इसे इस तरीके से प्रेस करके इसका सारा एक्सेस पानी निकाल देना है। अब देखिए ये आपके पास कुछ इस तरीके का बचेगा, इसको हम आलू में मिला देंगे। एक बार ये प्रोसेस दोबारा देख लेते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे अपने हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसका एक डो बनाएंगे। डो आपका बहुत ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। आपको इसको अच्छी तरीके से मसल मसल के इसका अच्छा सा डो प्रिपेयर करना है। आइए अब कटलेट्स की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक मिक्सिंग बोल लिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही हमें बिल्कुल गाढ़ा चाहिए। अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है तो आप थोड़े से दही को छलनी में डाल के एक घंटे के लिए रख दीजिए। उसका सारा एक्सेस पानी निकल जाएगा और बिल्कुल गाढ़ा दही आपको मिलेगा। मैंने भी इसी तरीके से बनाया है। अब हमने दो चम्मच दही तो उसमें डाल लिया। अब बारी आती है कुछ सब्जियां डालने की। चम्मच हम ग्रेटेड गाजर इसमें डाल रहे हैं। आप इसमें प्याज भी ले सकते हो, अपनी पसंद की सब्जी कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हो। साथ में हम यहाँ पे दो चम्मच चॉप्ड शिमला मिर्च ले रहे हैं और अब हम इसमें थोड़े से कॉर्न के दाने डाल रहे हैं। ये नॉर्मल भुट्टा है जो मार्केट्स में मिलता है। उसको मैंने कुकर में दो सीटी लगा ली थी और अब वो सॉफ्ट हो गया है, तो उसी को मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। सारी सब्जियां डाल दी। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच कुटी काली मिर्च डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा धनिया पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीजों को मिक्स कर लिया और हमारी फिलिंग बन के रेडी है। आइए अब कटलेट बनाएं। तो अब कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद हम डो में से थोड़ा सा पेड़ा लेंगे और इसको जैसे हमने टिक्की की वीडियो में किया था उस तरीके से एक टिक्की की शेप देंगे। देखिए इस तरीके से। अब हमें इसके बीच में डिप्रेशन क्रिएट करना है थोड़ा सा, सो दैट हम इसमें फिलिंग डाल सकें। अब हमें थोड़ी सी फिलिंग लेनी है और इस डिप्रेशन में उसको डालना है और उसके बाद हमें इसको अच्छी तरीके से रोल करना है जैसे हम स्टफ्ड पराठास में करते हैं। आप हमारी टिक्की की वीडियो भी देख सकते हैं। और उसके बाद अब हमें इसे हाथों से इस तरीके से अच्छे से एक रोल की शेप देनी है। हमें धीरे धीरे इस तरीके से रोल करना है और ये देखिए हमारा कटलेट बनके बिल्कुल रेडी है। आइए अब फास्ट फॉरवर्ड में एक और देख लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लिए हैं और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो अब हम कटलेट्स को शैलो फ्राई करने वाले हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले लिया है और अब हम तेल को गरम करेंगे
अगर आप इन्हें डीप फ्राई करना चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए हीट आने लग गई है, मतलब तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके कटलेट्स इसमें डालेंगे। इन कटलेट्स को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, अदरवाइज ये जल जाएंगे। तो अब देखिए हमारे कटलेट्स नीचे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इन्हें बहुत ध्यान से पलट देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। आपको इन्हें इसी तरीके से बीच बीच में पलटते रहना है और चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। बीच बीच में हम इन्हें इस तरीके से चलाते रहेंगे, वरना ये एक तरफ से जल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारे कटलेट्स अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और देखिए बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इनमें आ चुका है। तो अब हम इनको बहुत सावधानी से प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह। तो अब हमने अपने पहले बैच के कटलेट्स को अच्छी तरीके से फ्राई करके निकाल लिया है। इसी तरीके से हम सारे कटलेट्स फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार होने वाला ये चटपटा ब्रेड कॉर्न कटलेट बनके बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हम इन्हें दो तरह की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। आप हमारी रेसिपी अपने घर पे ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।